हेलो एवरी वन वेलकम टू लीड स्क्रिट सो लॉट ऑफ यू हैव बिन आस्क रिगार्डिंग एन मैट तो इस वीडियो में हम लोग एन मैट का एग्जाम पैटर्न प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मॉक्स के बारे में कट ऑफ्स के बारे में सब चीज़ के बारे में बात करेंगे एंड आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो ऑलमोस्ट सारे मुझे लगता है इस वीडियो से कवर हो जाएंगे फिर भी अगर कुछ बचता है तो अलग से आप पूछ सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट द पैटर्न तो भाई पैटर्न में हमारे पास में तीन सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे पूछे जाएंगे फर्स्ट वन इज लैंग्वेज स्किल्स सेकेंड वन इज क्वान्टिटेटिव स्किल्स एंड थर्ड वन इज लॉजिकल रीजनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन तीनों ही सेक्शन से थर्टी सिक्स क्वेश्चन रहेंगे टोटल वन हंड्रेड एट क्वेश्चन होते हैं और टोटल जो एग्जाम का ओवरऑल टाइम है वो अपने पास में वन ट्वेंटी मिनट्स का होता है दट इज़ टू आवर्स तो टू आवर्स में आपको ये थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स एंड थर्टी सिक्स क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं अगर मैं सेक्शनल टाइम लिमिट का बात करूँ दैट इज ट्वेंटी एट मिनट्स फॉर लैंग्वेज स्किल्स फिफ्टी टू मिनट्स फॉर क्वानिटेटिव स्किल्स एंड फोर्टी मिनट्स फॉर आपका लॉजिकल रीजनिंग तो टाइमिंग्स जो अवेलेबल हैं रिगार्डिंग पर क्वेश्चन आप ये समझ रहे होंगे कि ये स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन है और अगर स्पीड बेस्ड एग्जाम की बात करें नेगेटिव मार्किंग नहीं है वो एग्जाम मार्किंग पैटर्न क्या है उसके बारे में बात करते हैं नेचर ऑफ एग्जाम एवरी क्वेश्चन यू आर रिक्वायर टू आंसर डिपेंड्स ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रीवियस वन तो भाई अगर आप एक क्वेश्चन कोई सही करते हो तो उसका सही होगा या गलत होगा जो भी सिनेरियो होगा उस रिस्पेक्ट में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आएगा पेपर में ये सीनारियों पर एग्जाम बेस्ड है एडेप्टिव पैटर्न है कि अगर आप इजी क्वेश्चन को करेक्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन उससे थोड़ा बेटर लेवल पे होगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करेक्ट कर रहे हो उससे बेटर लेवल पे होगा जितने आप कंटिन्यूअसली करेक्ट करते रहोगे उतना आपको ओवरऑल स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाता है सिमिलरली अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिमिलर लेवल पर या उससे नीचे लेवल पर होगा इस तरह से ये पैटर्न जो है वो बिहेव करता है आई होप सो पैटर्न के बारे में पता चल गया इस पेपर में कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन का प्लस थ्री मार्क्स मिलेगा या एक क्वेश्चन को जो है वो प्लस वन मार्क मिलेगा या प्लस टू मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं होता आपको जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप कितने क्वेश्चन जो है वो करेक्टली सॉल्व करते हो उस हिसाब से आपका जो अडेप्टिव एग्जाम आप अटैम्प्ट करते हो उस हिसाब से आपका स्कोर आता है तो आप ये मत सोचना कि यार अगर मेरे पंद्रह क्वेश्चन करेक्ट है तो मेरा फोर्टी फाइव स्कोर आना चाहिए मे बी वो स्कोर आपका फोर्टी बनाओ मे बी वो स्कोर आपका सिक्सटी बन जाए डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के कितने क्वेश्चन आपने करेक्टली सॉल्व किए हैं अडेप्टिव है तो अगर आप बहुत ईजी क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो आपका स्कोर जो है वो बहुत बुरी तरह से नीचे गिरता है एंड अगर आप ईजी क्वेश्चन करेक्ट करके मीडियम करेक्ट करके डिफिकल्ट को भी करेक्ट कर लेते हो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर क्वेश्चन आते नहीं है बट फिर भी जो एग्ज़ाम में आते हैं अगर आप उनको करेक्ट कर देते हो तो आपका ओवरऑल स्कोर जो अडेप्टि मार्किंग स्कीम के बाद में आएगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे ही ये एग्जाम जो है वो बिहेव करता है नाउ इफ व्यू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो भाई लैंग्वेज स्किल्स में आपका जो वोकेबुलरी सेक्शन है एंटोनिम्स एंटोनिम्सों अनालिजिज हैं एडियम्स फ्रेजल वर्ब्स पार्ट्स ऑफ स्पीच टेंसिस आइडेंटिफाई द एरर चूज द करेक्ट प्रपोजिशन सेंटेंस करेक्शन आर सी पैसेज बहुत नॉर्मल आते हैं बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होगा इवन इफ आपका कैट में उतना एक्यूरेसी नहीं भी आ रहा होगा ये आर सी पैसेजेस को आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे परेशानी नहीं देंगे ये मतलब एक बार आप रीड करो आप उसमें कॉम्प्रेड करके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो देन इफ यू टॉक अबाउट सेंटेंसेस पैरा पैराजंपल्स हैं नॉर्मल ऑप्शनस के साथ होंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है इनको करेक्टली सॉल्व करना क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होते हैं जो पैराग्राफ समरी बड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बड़ा नॉर्मल है अगर आप कैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मॉक्स दे के चीज़ें आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो ज़्यादा परेशानी नहीं होगा रिगार्डिंग द ग्रामर पोर्शन आपको टॉपिक टेस्ट अटेंड करने चाहिए फुल लेंथ मॉक्स तो दो ही दो साथ ही साथ टॉपिक टेस्ट भी अटैम्प्ट करने चाहिए फॉर द ईजी स्टूडेंट्स अराउंड फोर्टी टेस्ट जो है वो ऑलरेडी सॉरी अराउंड फोर्टी टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं इसके अलावा सिक्सटी टेस्ट और हम लोग ग्रामर के आपके डैशबोर्ड पे अपडेट करने वाले हैं ये सारे के सारे ईजी स्टूडेंट्स के लिए फ्री होंगे ये वाले जो ग्रामर टेस्ट होंगे सो so दैट आप उनको प्रैक्टिस करते रहो एंड आपके लिए जो है वो हेल्प होता रहे बार बार टेस्ट देते चले जाओगे तो उसमें एडवांटेज ये है कि जो भी डिफरेंट रूल्स हैं वो आपको रिकॉल हो जाएंगे तो आप अच्छे से उनको अटैप्ट करके इम्प्रूवमेंट कर सकते हो सिमिलरली वी टॉक अबाउट क्वांटिटिव एप्टीट्यूड तो यहाँ पर एक एडवानटेज है कि अगर आप जोमेट्री में कॉन्फिडेंट नहीं हो परेशानी होता है आपको काट का जोमेट्री तो यहाँ पर नहीं आ रहा है जोमेट्री उन्होंने क्लियरली मैंशन कर रखा है अपनी साइड पर ज्योमेट्री का वहाँ पर कोई मैंशन नहीं है आपके पास में ये टॉपिक है एथेमेटिक पूरा सारे के सारे पॉइंट्स इसमें परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रॉबीबिलिटी ये इंपॉर्टेंट है बहुत सारे क्वेश्चन कई बार वो भर देते हैं एवरेज एक्वेशन एन इक्विटीज लीनियर एक क्वाटिक परमोटेशन कॉम्बिनेशन प्रॉबीबिलिटी सेट थ्योरी बैन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन या मैक्सम मिनिमम रिलेटेड क्वेश्चन बना देते हैं और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे अगर नॉर्मल भी प्रैक्टिस दिन्यक्वेश होगा यू विल भी एबल टू हैंडल नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ड आई पार्ट और तो डी आई पार्ट के बारे में बात करें तो लाइन ग्राफ्स बार चार्ट पाई चार्ट एंड टेबलो ग्राफ्स इनफ अगर आपने आपको रीड करना आता है चार्ट तो आपके पास वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी आपको वहीं के वहीं सॉल्विंग करना है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिनेरियो नहीं है बार बार ये चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ सो दैट आप अननेसेसरी प्रेशर ना लो अगर आप सही से प्रिपेयर कर रहे हो कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सब चीज़ें बहुत हल्के लेवल में आपकी हैंडल हो जाएंगी परेशानी नहीं होने वाला तो अभी बात ये आती है कि यार क्या मैं कैट के ऊपर फोकस करता चला जाऊँ या मैं एनमैट के ऊपर अपना फोकस जो है शिफ्ट कर लूँ देखो डिपेंडिंग अपॉन कब आपका एनमैट मैट अटैम्प्ट है मे बी आपने मेंबर फाइव जो फर्स्ट डे है विंडो का उस दिन पे दे रहे हो तो आपको लास्ट के अराउंड वन वीक और टेन डेज एनमैट पे डिवोट करने पड़ेंगे अगर आप कैट के बाद दे रहे हो तो ऑब्वियसली कैट तक आप कैट के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो दे उसके बाद में डेली बेसिस पे एनमैट के ऊपर आपको फोकस करना स्टार्ट कर देना होगा फॉर ईजी स्टूडेंट्स हमने उनको रिकमेंड किया था नवंबर एंड दिसंबर बिगिनिंग में स्लॉट लेने के लिए तो अकॉर्डिंगली कैट के बाद में वो फोकस कर सकते हैं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा मतलब एनमैट ऐसा नहीं है कि हेड दे जाएगा अगर आप कैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो सिमिलरली वी टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग में आपका एनालिटिकल रीजनिंग भी आता है साथ ही साथ वर्बल रीजनिंग भी आता है वर्बल रीजनिंग में आपका क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे एजमशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे इनफरेंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे बड़े नॉर्मल होते हैं ऐसा नहीं कि सिरदर्दी वाले दे जाएँ आपको बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स नहीं होती दो लाइन तीन लाइन चार लाइन एट मैक्स इतना सिनेरियो चलता है और नॉर्मल लैंग्वेज होगा डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड वाला लैंग्वेज नहीं होता वही के वही आप सॉल्विंग करके आंसर्स कर सकते हो ज्यादा टीडियस टास्क नहीं है क्रिटिकल रीजनिंग आपने कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ा होगा दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दिस पर्टिकुलर सेक्शन लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट्स बहुत बेसिक कोई क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा बहुत हैवी आ जाए थोड़ा बहुत हैवी बहुत हैवी नहीं उतना प्रैक्टिस आपका हो चुका है फॉर ऑल द कैट एस्पिरेंट्स कि आप इनको हैंडल कर पाओ डिपेंडिंग बात बस इतने भी आ जाएगा कि कितने टाइम में आप सॉल्विंग कर रहे हो और uh, मैं वो चीज़ को थोड़ी देर बाद केटर करता हूँ पहले मैं ये टॉपिक के बारे में बता दूँ सलॉग्स आएंगे ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग कोर्स ऑफ एक्शन सीरीज एंड डायरेक्शन ये सब जो सिनेरियो है ये बनने वाला है पेपर के अंदर अब मैं जो बात बताने वाला था वो ये है कि अडेप्टिव पेपर के अंदर मार्किंग बढ़ाने का स्कीम ये होता है कि आपको वो ट्राई करना है कि आप लास्ट क्वेश्चन तक रीच कर ही जाओ ये क्या हो गया मेरा लग रहा है पेंसिल खराब हो गया लास्ट क्वेश्चन तक आप रीड रीच uh, कर ही जाओ वो मे भी आप थोड़ा वर्क लो मतलब आपको टाइम तो इस तरह से मेनटेन करके चलना पड़ता है जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपको वन ट्वेंटी मिनट्स मिल रहा है लैंग्वेज स्किल्स के लिए थर्टी सिक्स आपको अटैम्प्ट करना है तो लेस देन अ मिनट आपके पास में अवेलेबल रहेगा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए तो आपको स्पीड वो मेंटेन करके चलना है सो so दैट आप लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाओ अगर आपके क्वेश्चंस लास्ट तक नहीं पहुंच पाते तो आपका नेगेटिव स्केलिंग सा हो जाता है अडेप्टिव मॉक्स में अडेप्टिव पेपर में तो वो रिस्क हमें नहीं लेना सेम चीज़ क्वान्टिटेटिव स्किल्स में कि आप लास्ट तक अगर नहीं पहुँच पाए तो आपके स्कोर बढ़ाने का स्कोप ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि क्वेश्चंस के साथ में जो अपने पास टाइम अवेलेबल है वो उस रेशियो में मैं आगे लेकर बढ़ूँ कि मेरे एंड में क्वेश्चन बच भी ना जाए और ऐसा भी ना हो कि मेरे पास टाइम बचा हुआ और एंड में मेरे पास में क्वेश्चन ओवर हो चुके हैं तो आपको ये सिनेरियो जो है वो लेके चलना होगा उस हिसाब से मॉक्स देंगे एंड उसका प्रैक्टिस हो जाएगा दैट वोंट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू नाउ रिगार्डिंग द मॉक्स बहुत सारे लोग मॉक्स का पूछ रहे थे तो भाई हम लोग टेन एनमैट के मॉक्स जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं क्लोजेस्ट टू एक्चुअल एनमैट एग्जामों का लास्ट ईयर का जो विंडो रहा है उसके बेसिस पे मोस्ट क्लोजेस्ट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वैसा टाइप का पेपर हमने बना रहे हैं टेन नेशनल लेवल एनमेंट मॉक्स रहेंगे सारे के सारे और मॉक्स होंगे एज पर द लेटेस्ट पैटर्न जो लास्ट ईयर का रहा था जितने क्वेश्चन जिस सेक्शन से आए थे तो उस हिसाब के क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अगर कट ऑफ का बात करें कट ऑफ अपने पास में लास्ट ईयर का नारसी मुंजी मुंबई के लिए आपको दो सौ चौंतीस चाहिए था एनी हाउ आपका टारगेट यही रहना चाहिए दो सौ चालीस पार आप पहुँच जाओ थोड़ा सो so दैट आप सेफर साइड रहो खतरे में नहीं रहना अपने को एंड अगर ई मॉक्स का और इसके साथ रेप्लिका का बात करें जो हमने नोटिस किया है कि अगर आप ई मॉक्स में 220-225 की रेंज में स्कोर कर रहे हो तो आप एनमैट पेपर में 240 सौ चालीस इस रेंज में पहुंच जाते हो ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बाकी उस दिन खराब अटैम्प्ट हो जाए या ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट हो जाए तो स्कोर ड्रास्टिकली इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं बट नॉर्मल हमने ऑन एवरेज देखा है कि अगर आप दो सौ तक अपना ई जी में ला पा रहे हो में तो आप वहाँ प्लस की रेंज जो है वो उसमें पहुँच जाओगे ना एंडमेंट मॉक्स विंडो वाइज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा डेट्स देख लो आप एंडमेंट मॉक्स बनाएगा एटीन अक्टूबर देन ट्वेंटी फोर अक्टूबर देन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट थर्टी पांच मॉक्स आपके थर्टियथ अक्टूबर तो, से पहले ही आ जाएंगे इसके पीछे का रीजन जो लोग फिफ्थ नवंबर को अटैप्ट कर रहे हैं उनके पास में ही अवेलेबिलिटी हो कि भाई पांच मॉक्स वो पहले से दे चुके हों अब पाँच नवंबर को फर्स्ट पेपर है तो उस हिसाब से कुछ कुछ चेंजेस होंगे तो हमें मॉक्स के अंदर वो चेंजेस जो है वो इनकॉपोरेट करने हैं दैट इज वाई हम इसको फाइव नवंबर रख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली फाइव नवंबर की जगह पे सिक्स नवंबर को अवेलेबल होगा क्योंकि एक दिन लग जाएगा पूरा पैटर्न को एनालाइज करने में कि अगर कुछ चेंजेस हुए तो इसको हम सिक्स नवंबर को लॉन्च करेंगे एंड उसके रिस्पेक्ट में अगला मॉक उसके रिस्पेक्ट में अगला मॉक अगला मॉक एंड अगला मॉक ऐसा चलेगा तो ये टेन मॉक्स इस विंडो वाइज जो है वो लाइव हो जाएंगे आप जब भी अटैम्प्ट करना चाहो आप कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर आपके पास में मॉक्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे नाउ रिगार्डिंग द प्राइजिंग एनमेट के मॉक्स का हमने लास्ट ईयर जो है वो प्राइस रखा था अराउंड वन थाउजेंड इस ईयर और कम कर दिया है बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाई बजट का इश्यू चल रहा है तो थोड़ा प्राइस कम ही रखिएगा स्नैप के अभी हमने लॉन्च नहीं किया उसका भी प्राइस कम ही रखेंगे रिगार्डिंग द एनमेट मॉक्स इसका प्राइस हम लोग फाइव फिफ्टीन हंड्रेड या वन थाउजेंड नहीं रख रहे हैं इसका प्राइस हमने लॉन्च किया है दैट विल भी ऐट सेवन फिफ्टी रुपीज़ ओनली तो जिसको भी बाय करना होगा आप बाय कर सकते हो अभी इसमें आपकी सीट अवेलेबल हैं ऐट सेवन फिफ्टी आप इसको बाय कर पाओगे इन केस जो है वो आप लेट बाय करते हो उस टाइम पे क्या प्राइस होगा आई एम नॉट सो श्योर आज के दिन पे ये प्राइस है और नेक्स्ट फाइव डेज़ के लिए यही प्राइस जो है वो रहने वाला है तो अगर आपको बाय करना होगा तो डायरेक्टली आप वेबसाइट से बाय कर सकते हो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा सो so दैट आप लिंक के थ्रू जो वो डायरेक्टली बाय कर पाओ एंड ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल पर वेबसाइट पर आपका जो डैश डैशबोर्ड रहेगा वहाँ पर आपको मार्क्स रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे वहीं पर आप अटैप्ट कर पाओगे आई होप सो आपको पूरा आइडिया लग गया रिगार्डिंग द मॉक्स इन केस कोई आपके क्वेश्चन होंगे यू विल बी विलबल टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड थैंक यू बाय.